और थोड़ी ना कहेगा कि वो चोरी करके जा रहा था। बस कीजिए, मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मुनमुन ने लगाया नीरजा पर चोरी का इल्जाम। नीरजा ने रखी अबीर के सामने अपनी बात। कलर्स टीवी शो नीरजा के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि नीरजा अबीर के घर से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी मुनमुन आकर बोलने लगती है कि नीरजा जब इस घर में आई थी तो एक बैग के साथ आई थी, लेकिन अब वो दो बैग लेके जा रही है। जिसके बाद नीरजा के बैग की तलाशी लेना शुरू कर देती है मुनमुन, और जहां से त्रिशा का हार मिलता है मुनमुन को, और वो हार को लाकर अबीर को दे देती है। जिसके बाद अबीर ये पूछने लगता है कि ये तो त्रिशा का सामान है, पर ये सब नीरजा के पास कैसे आया। जिसके बाद मुनमुन घर में ये शोर मचा देती है कि नीरजा ने चोरी की है और वो यहाँ से चोरी करके लेके जा रही है, लेकिन नीरजा भी चुप नहीं बैठती और मुनमुन को मुंह तोड़ जवाब देती है। नीरजा मुनमुन से ये कहती है कि मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और मैं अपनी बात रख सकती हूँ। जिसके बाद नीरजा अबीर को ये बताती है कि ये सब सामान त्रिशा का ही है और मैं ये सामान आपको लौटाने आ रही थी। तो क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।